हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वायू लर्निंग तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टेम और उसके फंक्शंस वैसे तो अगर हम न्यू एन का जो सिलेबस है उसकी न्यू एन की जो बुक है उसको देखें तो उसमें मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम नहीं दिया इस चैप्टर में लेकिन हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम भी पढ़ेंगे ठीक है आज हम डिस्कस करेंगे स्टेम क्या है और उसके फंक्शंस क्या है तो बात करते हैं स्टेम क्या है तो स्टेम क्या है असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांच लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स यहाँ पर अगर हम ये डायग्राम देखें तो देखो जो ग्राउंड के अंदर वाला सिस्टम था वो क्या था रूट सिस्टम लेकिन जो उसके ऊपर जो सिस्टम बन रहा है पूरा जिसमें क्या प्रेजेंट है लीव्स प्रेजेंट है इंटर नोड प्रेजेंट है नोड प्रेजेंट है बर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं उस पूरे को हम क्या बोलते हैं स्टेम बोलते हैं ठीक है थीके? तो असेंडिंग पार्ट है ये जिसमें ब्रांचेस भी होंगी ओके फ्लावर्स फ्रूट्स ये सब होंगे इस डायग्राम में वैसे फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं है वैसे वो भी होते हैं ठीक है अब यहाँ पर स्टेम का डेवलपमेंट किससे होता है देखो रूट सिस्टम जो था वो कैसे बन रहा था रेडिकल से बन रहा था ऐसे ही जो शूट सिस्टम होता है वो प्लीम्यूल से डेवलप होता है तो हम यहाँ पर जैसे देखते हैं कि एक जर्मिनेटिंग सीड है एक डाइकॉट सीड है ये एक जर्मिनेटिंग सीड है डायकॉट सीड इसमें यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं इसमें हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये डाइकॉट सीड है इसके अंदर ये क्या है कॉटिलिडंस दो कॉटिलिडन्स हमने बना दिए डाइकॉट सीड है तो दो कॉटिलिडन्स ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा प्लीम्यूल ठीक है और ये नीचे वाला पोर्शन कहलाएगा रेडिकल अब ये रेडिकल क्या था कि कोई भी एक जो जर्मिनेटिंग सीड होता है उसमें जो फर्स्ट पार्ट डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल और इस रेडिकल और हम बोल सकते हैं एम्ब्रियोनिक रूट और इससे क्या बनता है रूट सिस्टम पूरा बनता है ठीक है ये चीज़ तो थी रेडिकल के अंदर अब हम बात करें प्लीम्यूल की तो प्लीम्यूल क्या है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक शूट एम्ब्रियोनिक शूट क्योंकि ये क्या बनाएगी शूट सिस्टम बनाएगी जिसमें क्या प्रेजेंट होगा स्टेम प्रेजेंट होगी इसमें लीव्स प्रेजेंट होंगे जिसमें फ्लावर्स ब्रांचिंग्स फ्रूट्स ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो यानी ये स्टेम किससे बन रही है प्लीम्यूल से बन रही है ठीक है थीके? अब बात आती है इसके अंदर स्टेम में और जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं हमने अभी बात करी नोड और इंटर नोड बोला तो नोड कौन सा रीजन है वो रीजन स्टेम का वो रीजन स्टेम का जहाँ से लीव्स बॉर्न होते हैं जैसे कि ये वाला रीजन इसको हम बोलते हैं नोड इस रीजन को बोलते हैं नोड इस रीजन को हम बोलेंगे नोड इस रीजन को हम बोलेंगे नोड यानी वो रीजन जहाँ से लीव्स जो हैं वो बन रही है ओके और दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंटर नोड दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है वो कहलाता है इंटर नोड सो पोर्शन बिटवीन टू नोड इज़ द इंटर नोड तो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है स्टेम में ब्रांचेस फ्लावर फ्रूट्स लीव्स और साथ में नोड और इंटर नोड किससे डेवलपमेंट होता है प्लीम्यूल से अब इस स्टेम के अंदर और क्या चीजें प्रेजेंट है बर्ड्स हैं दो तरह के बर्ड्स टर्मिनल और एक्सिलरी तो यहां पर हम देख रहे हैं ये वाला बर्ड जो है इसको हम क्या बोलते हैं एक्जिलरी बर्ड और हम इसको बोलते हैं लेटरल बर्ड एक्सिलरी बर्ड और लेटरल बर्ड ओके और जो ये टॉप पे जो बर्ड है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल बर्ड और एपिकल बर्ड टर्मिनल बर्ड और एपिकल बर्ड ठीक है तो इसके अंदर स्टेम में हमें बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं स्टेम को जब हम यंग होती है तो वो कैसी दिखेगी ग्रीन कलर की दिखेगी जैसे जैसे जो है वो आगे उसकी एज बढ़ेगी वो कैसी होती जाएगी प्लांट की एज बढ़ती जाएगी तो उसकी स्टेम भी कैसे हो जाएगी डार्क कलर की वुडी हो जाएगी ठीक है तो ये सारी चीज़ें हो गई स्टेम के बारे में अब हम बात करते हैं स्टेम के फंक्शंस की तो यहाँ पर कुछ मेन फंक्शंस दिए हैं स्टेम के जिसमें से जो पहला फंक्शन है वो क्या है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीवस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स स्टेम की हेल्प से क्या होती है ब्रांचेस निकलती हैं जिसमें लीव फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं तो ये काम करती है स्टेम दूसरा काम क्या करती है इट कंडक्ट वाटर मिनरल्स एंड फोटो सिंथेटिस्ट अब वाटर एंड मिनरल्स जो हैं ये कैसे कंडक्ट होंगे वेस्कुलर सिस्टम यानी जो जाइलम होता है वो क्या करता है पूरे प्लांट को वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है ओके okay, तो वो भी क्या है स्टेम से ही कंडक्ट हो रहा है और फोटोसिंथेटेज जैसे कि हमारा जो फ्लोइम है फ्लोइम क्या करता है जो फूड बना है शुगर बनी है उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है ठीक है तो स्टेम का, का काम क्या है वाटर मिनरल और फोटोसिंथेटिक्स को कंडक्ट करवाना ओके okay. नेक्स्ट है कुछ स्टेम क्या करती हैं किसका फंक्शन परफॉर्म करती हैं स्टोरेज ऑफ फूड यानी हम जब स्टेम की मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें जो अंडरग्राउंड स्टेम है स्पेशली पटेटो पटेटो ट्यूबर जो है इसमें क्या है फूड स्टोर है जिंजर जो है इसमें भी क्या है फूड स्टोर है सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं स्टेम्स और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में रिप्रोडक्शन में जैसे हमने रोज का स्टेम लिया और एक न्यू प्लांट बन जाएगा हमने जो है रोज़ के साथ में हमने शुगर केन शुगर केन हमने ले लिया शुगर केन से भी क्या होगा एक न्यू प्लांट बन जाएगा तो ये फंक्शन होते हैं स्टेम के रिप्रोडक्शन में भी काम करेगी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी प्रोटेक्शन और फूड स्टोर करती है ठीक है तो आज की क्लास में हम फंक्शन ऑफ स्टेम तक रखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम